ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਆ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹੂੰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। नमस्कार दोस्तों, मैं रीनू शर्मा, आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूं। आज हम आए लोगों से जानने के लिए वो जब थे कि सब जमी जाने का रियल सच, सीधी बातचीत करते हैं हम लोगों से। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? करनाल गुरु। कितने साल हो गए डेरे से तुलसी? मैनू हो गई जी 40-45 साल। 40-45, बहुत लंबा टाइम होता है। आप इतने लंबे टाइम में सिर्फ एक ही संस्था को माना, क्या कारण है इसका? जी देखो जी, रहन सहन मिला है भी, किस तरह अपने संसार में सेवा करनी है, किस तरह अपना बर्ताव करना है, बोलन चालन दी, काम धंधा की सारी सुविधाएं सानू उत्थे जानकारी मिली। कौन कौन से कार्य किए गुरु जी ने समाज के? उन्होंने देखो जी, गरीबों की बेटियां ब्याहियां मकान पा के देने, उन्होंने देखो अपने जो संस्था करनी चाहिए थी, अपना धर्म बनाया है, उन्होंने बेटियां बनाया है, जो आप किन्नर कह रहे हैं उन्होंने शुभ दवाई का भी, उन्होंने बारे भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा है जो आप कदे सोच भी नहीं सकते। गरीबों के लिए क्या कुछ किया? गरीबों के लिए भी सब कुछ सोचते हैं जी, मकान बनाते हैं, दवाई बूटी दवाते हैं, वो ये कुछ असी उन्होंने कहा तो ये असी दे रहे हैं। असी भी शिक्षा उठी तो ही मिली है हमने, नहीं आप तो तुरे जाते हैं पानी ना पूछिए, जे शिक्षा मिली है तो आप उन्होंने उस तरह चल रहे हैं जो आपके गुरु ने दसिया। आज समाज को उनकी जरूरत है? बहुत जरूरत है जी, आप तो ये अपील करा मेरे सतगुरु अपने संसार से आवे। और जो आ माँ बह रही है, मैं तो ऐ कहूँ जो सतगुरु आगे सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने इन्ना विश्वास है सतगुरु से भी सब कुछ सही हो जाएगा। जिस रुख से तो देख लो भी कलयुग का पैर है, जो मालिक के दर जुड़ गए वो तो यही कहेंगे भी आपदा बेटी भी सही सलामत रहे, मालिक के दर लगे, सतगुरु के राम नाम जपेगी, चंगी शिक्षा उसमें रहेगी, संसार में चंगा जो अपन ज्ञान चंगा मिलेगा वही ज्ञान उसमें सही होगा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से तो यही अपील करा जल्दी से जल्दी सतगुरु सा।